हमारे यहाँ बना है मतलब मूंग दाल का पकौड़ा। रेड कलर का लगाई हुई हूँ, कैसा लग रहा है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का समय है, आप सभी को मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग और प्रणाम। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ नाश्ता करने के लिए और मैंने सोचा कि चलो आप सभी से बातें भी कर लेती हूँ, मतलब ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो नाश्ते में आज हमारे बहुत मतलब जिस टाइप से अभी बारिश का मौसम है, पर बारिश हो नहीं रहा है, पर बारिश के दिनों में ना पकोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे आज बना आज मूंग दाल का पकोड़ा, तो वही खा रही हूँ। ये देखिए, तो ये मूंग दाल का पकोड़ा, और पकोड़ा आज बहुत ज़्यादा तीखा है क्योंकि ये ना मैं पहली बार लेके आई थी, वाला जो गिट्स होता है ना, गिट्स टाइप था पाउडर, वो वाला था, वो वाला ख़रीद के लेके आई थी रेडीमेड, तो वही वाला बनाए थे। पर पहली बार बनाए हैं, ये हमारे यहाँ बना है मतलब मूंग दाल का पकोड़ा, पर पता नहीं था मेरे को कितना ज़्यादा तीखा होता है। तो यही बना है तो यही खा रही हूँ, तीखा है पर अच्छा लग रहा है, टेस्टी है। और साथ में आज कॉफ़ी और पकोड़ा। और बाहर में देखिए कितना तेज़ धूप है, बारिश का नामो निशान नहीं है, पर बारिश नहीं हो रहा, पर आज ना हवा बहुत अच्छा चल रहा, सुबह से बहुत अच्छा हवा चल रहा है। तो अभी ठीक है, मैं खा लेती हूँ। तो ऐसे ही शुरू से एंड तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ कुछ टाइम में खाने के बाद। तो गाइस मैं नाश्ता कर ली हूँ और उसके बाद मुझे घर के थोड़े बहुत जो काम है, झाड़ू, मेरा डेली का जो काम है, झाड़ू, कपड़ा, बर्तन, ये सब वो सब कर लेती हूँ। तो फिलहाल झाड़ू लगा रही हूँ, बर्तन मैंने धो लिया है, कपड़ा मुझे धोना है, तो पहले झाड़ू लगाऊँगी। बस डेली का है, रोज का वही काम, तो अभी वो कर लेती हूँ। और अभी ना मैं झाड़ू जल्दी से लगा ले रही हूँ, सुबह सुबह ही लगा ले रही हूँ, नहीं तो फिर मेरे को जब मन करता है तो ही लगाती हूँ। और आज मैंने सोचा कि जल्दी से आज काम ख़त्म करती हूँ तो फिर आराम रहेगा ऐसे करके, नहीं तो हेडेक बना रहता है कि अरे काम करना है करना है ऐसे करके। तो अभी मैं झटपट झाड़ू लगा लूँगी, सभी साइड को लगा ली हूँ, बस ये वाला हॉल बचा हुआ था तो वही अभी लगा रही हूँ। और उसके बाद आ गई थी मैं कपड़ा धोने के लिए, और वाशिंग मशीन में पहले से ही मैं कपड़ा डाल के चल रही थी झाड़ू लगाने के लिए, तो यहाँ पर कपड़ा भी धुल गया है तो अभी मैं निकाल लूँगी और उसके वो खंगाल लूँगी, मतलब अच्छे से धो लूँगी कपड़ा को। और ऐसे इकट्ठा करके रखो ना कपड़ा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आजकल मैं डेली मतलब धोती नहीं हूँ, ऐसे ही मतलब दो तीन दिन हो जाता है इकट्ठा कर लेती हूँ उसके बाद धोती हूँ, नहीं तो रोज़ रोज़ में ना धोने में थकान भी लगता है, अरे धोना है ऐसे करके, तो दो तीन दिन में ऐसे निकल जाता है तब तो थोड़ा सा आराम भी रहता है, और बहुत ज़्यादा हो जाता है पर क्या करें, ऐसे मतलब धोने में ही ठीक लगता दो तीन दिन में। और आज तो वाशिंग मशीन भी बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था क्योंकि ऐसे ड्रायल में डाली, उसके बाद देखी इसमें से पानी भर गया ड्रायल में, और उसके बाद उसको निकाली हूँ फिर डाली हूँ, तो फिर आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, आज खटखट खटखट कर रहा था, तो आज वाशिंग मशीन भी बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था इधर उधर, मतलब उसको ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो अभी ड्रायल में डाली हूँ, फिर पानी एक साइड पानी निकालती हूँ तो फिर इधर बचने लगता है, और वाशिंग मशीन में सर्च आ रहा था तो वही देखिए यहाँ पर वाशिंग मशीन के में भी दोनों एक साथ में, और बगल में बर्तन वाला स्टैंड था वो भी खटखट खटखट करने लगा था, तो वही इधर उधर करते हुए आज मुझे बहुत टाइम हो गया कपड़े धोने में ही। और देखिए ड्रायल में भी आज सूख नहीं रहा था कपड़ा, तो बहुत दिक्कत हुआ, और उसके बाद आ गई हूँ कपड़ा। अरे तू बहुत मत ले क्या, अभी खेलने का टाइम है और कपड़ा सुखाने के लिए छत में जा रही हूँ, तो बॉल वॉल पकड़ के आ रहा है छोटी। और आज मौसम में कुछ टाइम पहले ना हल्का बारिश स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद अभी फिर से धूप निकल गया है, हल्का मतलब बादल धूप है और हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। छत में कपड़ा सुखाने आ गई हूँ तो सुखा लेती हूँ अभी। तो अभी मैं कपड़ा सुखा लेती हूँ, और आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, और छत में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सारे कपड़े मैंने धो के अच्छे से सुखा लिए हैं।
इधर कपड़ा, सारे कपड़े मैंने सुखा लिए हैं और बारिश नहीं हो रहा है ना, बस अभी थोड़ा सा बारिश हुआ, बूंदा बांदी बस हुआ, उसके बाद फिर से धूप निकल आया और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। कुछ भी काम करो तो और ही ज़्यादा गर्मी लगता है। और थोड़े बहुत कपड़े और बचे हुए हैं धोने के लिए, वाशिंग मशीन में डाली हूँ, थोड़े कपड़े और हैं, उसको नीचे ही सुखा दूँगी। अभी ऊपर में तो इतना सुखा ली हूँ और नीचे सुखा लूँगी। और आज मौसम मतलब बादल था, अच्छा लग रहा है, हल्का हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा है छत में। और अभी नीचे चलती हूँ, हालत ख़राब है, अभी नहा लेती हूँ, क्योंकि नहाना तो ही ठीक लगता है। फिर गर्मी से गर्मी में ना ऐसे काम करो करो, फिर उसके बाद पूरा पसीना पसीना हो जाओ ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर नहाने का ही मन करता है। तो अभी चलती हूँ, नीचे जाऊँगी फिर नहाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। गाइस मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद कुछ दिखाती हूँ आप सभी को। देखिए इधर कपड़ा, तो जो छत में मैं कपड़ा सुखाई हुई थी ना, तो उसको उठा के फिर से लेके आके यहाँ पर कुर्सी में डाल दी हूँ, क्योंकि जैसा सुखा के आई कुछ टाइम बाद ना तेज बारिश शुरू हो गया था, उसके बाद यहाँ कुर्सी में डाल दी हूँ। और परी लेने चली गई थी जल्दी से, तो यहाँ डाल दी, और कुछ टाइम बाद देखिए फिर से धूप निकल आया था। बस वही चल रहा है, धूप बारिश बस वही चल रहा है। यहाँ पर देखिए पूरा कपड़ा फिर से मुझे अभी बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि चलिए बाहर निकलते हैं। चलिए चलिए बाहर में देखिए कितना तेज धूप हो गया फिर से। तो नहीं पता आज क्या मौसम, मतलब कॉम्बिनेशन टाइप सा किया हुआ है, बारिश हो रहा है, कभी धूप निकल रहा है, कभी हवा चल रहा है, तो ऐसा चल ही रहा है, मतलब आज ऐसा मौसम है तीन टाइप सा। तो अभी फिर से चलिए कपड़ा निकाल लेती हूँ बाहर, क्योंकि अंदर में मैंने सोचा कि चलो पंखा के नीचे रख देती हूँ तो थोड़ा सूख जाएगा, क्योंकि बारिश स्टार्ट हुआ, अगर थोड़ा सा भीग गया फिर से। ड्रायर में की थी फिर भी थोड़ा सा ना धूप तो दिखाना ही पड़ता है, और धूप तो आज बस वही चल रहा है इसका, बारिश और धूप यही चल रहा है। तो ठीक है, अभी कपड़ा सुखा लेती हूँ और उसके बाद मिलूँगी। और मैं ना अभी किचन में, मेरे को इतना सारा मतलब इधर उधर काम करूँ तो बहुत भूख लगता है, तो और अभी किचन में आ रही हूँ तो देख रही हूँ कुकर में चावल ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि परी स्कूल से आई, दोनों आ गए तो लोग खाना खा लिए, फिर खाना भी आज ख़त्म हो गया है, तो अभी चढ़ा लेती हूँ, वही धो के कुकर में रखी हूँ और अपने लिए चढ़ा लेती हूँ। काबियान का यहाँ पर ढक के रखा हुआ है, वो आधा खाया उसके बाद रख दिया है, परी खा लिया है, और सुबह कम चढ़ा था ना खाना इसकी वजह से, तो भूख भी बहुत तेज लग रहा है मेरे को, क्योंकि नहाने के बाद ना फिर खाना ही खाने का मन करता है, और भूख बहुत तेज का लगा है। बस अब बन जाएगा तो खाऊंगी। थकान बहुत ज़्यादा लग रहा है, फिर कपड़ा उपड़ा धो ना, ऊपर नीचे हो जाओ तो फिर तक नाखून काट लेती हूँ, नाखून भी मेरा टूट गया एक साइड पर, एक साइड का जिसमें मैं बढ़वाई हूँ हल्का हल्का। और चावल चढ़ा दी थी मैं, और पकते तक मैंने सोचा कि चलो नेल कट कर लेती हूँ, और साथ में मैंने सोचा कि चलो नेल पॉलिश भी आज लगा लेती हूँ, और ऐसा ही मुझे कभी कभी मन किया तो ही लगाती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो नेल कट कर रही हूँ तो साथ में नेल पॉलिश भी लगा लेती हूँ बैठे बैठे, क्योंकि चावल भी बनानी था उसके पकते तक, नेल कट कर लेती हूँ और नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। तो अभी लगा लेती हूँ, और देखिए कुछ टाइम बाद मैं चली जाती हूँ, सिटी भी मार दिया था ना चावल, तो फिर उसे देखने चली गई थी और गैस बंद करके आ गई हूँ, तो चावल भी बन गया है, तो थोड़ा सा ठंडा हो उसके बाद खाऊंगी, तब तक नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने नेल पॉलिश भी लगा लिया, क्योंकि नेल कट कर रही थी तो मैं मुझे ना अचानक से मन करने लगा कि चलो नेल कट कर रही हूँ तो नेल पॉलिश भी लगा लेती हूँ, तो ये रेड कलर का लगाई हुई हूँ, कैसा लग रहा है। कभी कभी मन मतलब अचानक से करता है तो ही लगाती हूँ, नहीं तो फिर कहीं जाना हो तो ही लगाती हूँ, पर अभी मन कर गया तो लगा दी हूँ। और अभी चलती हूँ खाना खा लेती हूँ, खाना भी बन गया है, तो खाना खाने के बाद मिलती हूँ, तब तक के साथ
और खाना ठंडा हो गया था ना, उसके बाद मैं खाना भी निकाल के ले आई हूँ खाने के लिए। और खाने में हमारे यहाँ बना है आज दाल चावल, परवल, आलू की सब्जी, और रात वाला बड़ी मैंने लिया हुआ है, और लहसुन का अचार लिया हुआ है। तो अभी मैं खा लेती हूँ और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।